तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल स्पॉटी भारत में। और आज के इस वीडियो में हम भारतीय टीम के तीन ऑल टाइम टेस्ट ऑलराउंडर के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए। तो अगर आपको जानना है कि वो तीन बल्लेबाज कौन है, तो उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टेस्ट क्रिकेट में इंडियन टीम में कई दिग्गज खिलाड़ी हुए हैं, जो कि भारतीय टीम में सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्राविड़, अनिल कुंबले, इनका बड़ा नाम हुआ है। इन सभी खिलाड़ियों ने इंडियन टीम को अपने खेल से अलग अलग पहचान दिलाई है। और सौरभ गंगोली, वीरेंद्र सहवाग और VVS लक्ष्मण के अलावा जाहिर खान का नाम भी बेहतरीन टेस्ट खिलाड़ी की लिस्ट में आना चाहिए। इंडियन टीम के लिए गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने धक्कड़ खेल का प्रदर्शन किया, तभी तो आज टीम वर्ल्ड क्रिकेट की टॉप टीमों में गिनी जाती है। इन सबके बीच उन महान ऑलराउंडरों का नाम लेना भी जरूरी है, जिन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से अपना अहम योगदान दिया। ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में भारत को हर जेनरेशन में उतने अच्छे खिलाड़ी नहीं मिले, लेकिन कई ऐसे नाम जरूर हैं जिन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ दी है। वैसे तो छोटे समय के लिए कुछ ऑलराउंडर आए, लेकिन खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। लंबे समय तक खेलने वाले कुछ ऐसे टेस्ट ऑलराउंडर हैं जिन्होंने भारतीय टीम के ऑल टाइम टेस्ट ऑलराउंडर कर सकते हैं। ऐसे ही तीन धक्कड़ टेस्ट ऑलराउंडर का जिक्र इस वीडियो में किया गया है। तो हमारे इस वीडियो के तीसरे लिस्ट में है विनू मंकड़। ये महान खिलाड़ी दाएं हाथ का बल्लेबाज और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज था। जब टीम टेस्ट क्रिकेट में कुछ नहीं था, तो मंकड़ जैसे खिलाड़ी टीम के पिलर हुआ करते थे। पंकज रॉय के खिलाफ उनकी पहले विकेट के लिए 413 रन की साझेदारी आज भी भारत रिकॉर्ड है। उन्होंने अपना नाम 100 रन बनाने के अलावा उस टेस्ट की परी में 5 विकेट लेने का कारनामा भी दर्ज किया है। उन्होंने 44 टेस्ट में 2109 रन बनाने के अलावा 162 विकेट भी उन्होंने लिया है। तो अब आते हैं नंबर दो पर। नंबर दो पे है रविचंद्रन अश्विन। इस ऑलराउंडर को वर्ल्ड क्रिकेट में किसी परिचय की जरूरत ही नहीं है। भारतीय टीम के लिए अश्विन ने गेंद के अलावा जरूरत पड़ने पर बल्ले से भी सुपर काम किया है। उन्होंने एक शानदार ऑलराउंडर के रूप में खुद को एस्टैब्लिश किया है। और अश्विन को 81 टेस्ट में 5 सेंचुरी की मदद से 2905 रन बनाए हैं। उनके नाम 436 विकेट भी है। तो दोस्तों, तो हमारे इस वीडियो के पहले लिस्ट पर है कपिल देव। भारत के सबसे महान ऑलराउंडर में कपिल देव का नाम आता ही है। टेस्ट क्रिकेट में भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। और कपिल देव ने तो 131 टेस्ट मैचों में 5248 रन बनाए हैं और 434 विकेट भी हासिल किया है। उन्होंने अपने करियर में 8 टेस्ट सेंचुरी भी जोड़े हैं। आपको तो पता ही है कपिल देव भारत के ऑल टाइम ऑलराउंडर के लिस्ट में नंबर 1 पर है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? और भी ऐसे न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलना और कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।